उधर अलवर के बहरोड थाने में फायरिंग कर हवालात से छुड़ाए गए विक्रम और उर्फ पपला अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मामले को लेकर फर्स्ट इंडिया की टीम पपला गुर्जर के गांव पहुंची और जहां हरियाणा पुलिस के 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश पपला के पिता महावीर से बातचीत की। विक्रम उर्फ पपला, जिसे पिछले 9 दिन से राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है, 6 अन्य राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, जिस पर हरियाणा का इनाम है, जिस पर राजस्थान पुलिस का 1 लाख का इनाम है, वो पपला जिसे गांव में लोग ठीक लड़का मानते हैं, वो पपला जो अपने एक साथी के मर्डर के बाद अपराध की दुनिया में चला गया, वो पपला जो लगातार हरियाणा पुलिस से भागकर 2 साल तक छिपता रहा, और वो पपला जो 5 सितंबर की रात बहरोड थाने में पकड़ा गया और 6 की सुबह भाग गया, वो पपला, ये उस पपला का घर है। यहाँ गांव के ही कुछ लोगों का आना जाना रहता है, पूछते भी हैं कि हो क्या रहा है, पुलिस कर क्या रही है, ये क्यूरियोसिटी भी रहती है, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। मेरे साथ पपला के पिता हैं, मनोहर हैं। बाबा, क्या लगता है आपको कि क्या आपकी शिक्षा दी हुई काम नहीं आई? मेरी शिक्षा काम आती तो ये काम नहीं होता जी। ये मेरी जो मैंने आपको जैसे बताया, मेरी शिक्षा काम मानते तो ये काम होता ही नहीं। मनती है कहते जो करता है परमात्मा करता, आप अपने हाथ से कोई ऐसा अपराध मत करो, मैंने तो ये शिक्षा दी थी। अब क्या लगता है लड़ाई कैसे रुक सकती है? ये तो जी परमात्मा जाने जी, इस बात के बारे में बाबूजी मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं ये कह सकता मेरे से जो भी कुछ हो गई मदद पुलिस की या आपकी या किसी की, उस मदद को करने के लिए तैयार हूँ मैं। परमात्मा से हाथ जोड़ता हूँ, ईश्वर मेरा बच्चा है, ऐसे ऐसे दुनिया के बच्चे। लगातार पुलिस ढूंढ रही है अब उसको, बीच में कई बार ये खबरें भी आने लगी कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी, बहुत सारा ये भी आई, तो क्या आपको लगता है कि उसने गलत किया है कि सही किया है? ये गया थाने पर, बहुत गलत करा, कोर्ट में भी गलत करा, न्याय की तरह दो पलड़ा तुल रहा था, देख रहे थे ये कम है या ज़्यादा है, कराया या नहीं कराया, उस वक्त जो हुआ है बहुत गलत हुआ, मुझे बहुत दुख है, मैंने गड़वाया उसका, इसका भी दुख है। गांव की जिस तरह हमने बात की, सारे लोग मानते हैं शक्ति की मौत का बदला लेने के लिए, और गांव में चूंकि एक ऑफेंडर था, पूरी गांव ने पंचायत करके उसे ऑफेंडर माना, संदीप फौजी को, उसकी हत्या करना तक ठीक था? गांव की उसकी हत्या करने तक क्या ठीक था जी, वहाँ रुक जाता तो किसी को भी इतराज नहीं था, सभी मानते थे गाँव का वो लड़का संदीप वाकई में मतलब बहुत अपराधी था वो। क्या अब आप पपला क्या कहना चाहते हो? पपला कहीं भी हो, क्योंकि छुपा हुआ है अभी, क्या कहना चाहोगे? मैं तो उसको ये कहता भाई जो गलती होगी आके आत्मसमर्पण कर दो, बस सरकार के कारण भी जो गलती होगी वो तो गलती होगी, किसी भी तरह होगी, बोल में, छो में, गम में, मगर अब जाके वो आके आ जाए तो इस रास्ते पेश होने के बाद में रास्ता निकल जाएगा। गांव में हुई परिस्थितियों ने पपला को अपराधी बना दिया, और इतना बड़ा अपराधी कि अब आधा दर्जन राज्यों की पुलिस पपला के पीछे है, और पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान ATS SOG भी कई जगहों के खाक छान रही है, लेकिन अभी तक पपला फरार है। सहयोगी जितेंद्र नरुका के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर।